टॉपिक है हमारा बोडमास। अब बोडमास हमारा किस सीक्वेंस में चलता है ये देखते हैं। सबसे पहले हमें बी से ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है अगर हमें दिया हुआ है तो, फिर ऑर्डर ऑफ पावर, उसके बाद डिवीज़न देखना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब इसी रूल के अकॉर्डिंग हम एक नीचे सिंप्लीफाई करने के लिए एक क्वेश्चन दिए, उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट भी नहीं दे रखा और पावर भी नहीं दे रखी, तो हम सबसे पहले रूल के हिसाब से डिवाइड सॉल्व करना पड़ेगा। तो डिवाइड को अगर सॉल्व करेंगे तो बाकी सेम रहेगा, टू को टू से डिवाइड किया तो वन आ गया। अब डिवाइड के बाद जो होता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड के बाद क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हमारा हो रहा है टू इंटू वन, तो यह आएगा हमारा टू। अब ऐड कर देंगे इसे तो इसका आंसर आ गया हमारा फोर। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 45 प्लस 50 डिवाइड ब्रैकेट में 3 प्लस 7 माइनस 30। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बचेगा 45 प्लस 50 डिवाइड, इसको करेंगे तो 10 आ जाएगा, 3 प्लस 7 माइनस का 30। अब हमारे पास ये बचा हुआ है तो इसमें हमें देखना है कि हमें बोला है पहले 50 डिवाइडेड बाय 10, तो पहले डिवाइड कर देंगे इन्हें तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 30। अब हमें प्लस करना पड़ेगा तो ये 50 हो जाएगा माइनस का 30। अब इन दोनों को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो इस इक्वेशन का आंसर है 20। नेक्स्ट है इवेल्यूएट ब्रैकेट 96 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट क्लोज प्लस 14 इंटू 12 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है और यहाँ ब्रैकेट दो दे रखे हैं, एक दे रखा है ये और एक ये, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 96 को 12 से डिवाइड करा तो हमारा आएगा 8, बाकी सेम लिख देते हैं 14 इंटू, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा 20 हो गया डिवाइडेड बाय 2। अब रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें प्लस इन प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड में से पहले डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 प्लस 14 इंटू, अब इसको करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है। इसको अब हमें करना पड़ेगा पहले मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो गया और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 148 हमारा इसका आंसर हो जाएगा।